नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वतंत्रता संग्राम स्थल हो रहा है उपेक्षाओं का शिकार। कहने को तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के चंदेरा में स्थित स्वतंत्रता की निशानी स्वतंत्रता संग्राम स्थल, जहां देश की स्वतंत्रता हेतु संग्राम हुआ था। आज लगातार उपेक्षा का शिकार किया जा रहा। यहां लगभग 7 माह पहले आजादी के अमृत महोत्सव की निमित्त एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना के सानिध्य में सम्पन्न हुआ था। इसके साथ ही वरिष्ठ अतिथि के तौर पर पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव सहित भाजपा की कई नेता शामिल हुए थे। साथ ही जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। वहां घोषणा की गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम स्थल सुंदरीकरण और महापुरुषों के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, लेकिन आज भी स्वतंत्रता संग्राम स्थल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ समय पहले पंचायत सचिव के द्वारा यहां पर पौधारोपण किया गया था, लेकिन अनदेखी के कारण सभी पौधे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों की एक टुकड़ी चंदेरा गांव में ही रह गई थी, जिसे खदेड़ने के लिए चंदेरा गांव सहित आसपास के अन्य गांवों के ग्रामीणों ने स्वतंत्रता संग्राम स्थल बापूनगर पहुंचकर अंग्रेजी सैनिकों को 17 सितंबर 1974 को खदेड़ भगाया। जतारा से पीयूष साहू की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।